सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। जय श्रीमन्नारायण। जो भी व्रत और त्योहार बनाया गया है लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए बनाया गया है और विधि विधान के अनुसार श्रद्धा और विश्वास के साथ, क्योंकि संतों में, आचार्यों में एवं शास्त्रों में जिसकी जैसी आस्था होती है, विश्वास होता है, वैसा ही फल मिलता है। तो श्रावण मास एकादशी व्रत के बाद दूसरा त्यौहार 12 अगस्त को श्रावण मास का मुख्य व्रत पर्व होगा। इस दिन सायंकाल भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग अभिषेक एवं शिव स्तोत्र पाठ करने का विशेष महात्म्य होगा। और इस दिन विशेष प्रकार से, जैसे शिव अभिषेक करने के बाद महामृत्युंजय का जाप करें, हवन भी हो, और इसके बाद श्रद्धा विश्वास के साथ ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें, यथोचित सम्मान करें। और इसके बाद श्रावण मास में ऋग्वेदियों का एक उपाक्रम होता है, जो पहले के लोग, ऋषि लोग, आज के दिन जनेऊ जिसे कहते हैं, उसको बना करके और उसकी पूजा करते हैं और इसी जनेऊ को साल भर तक पुनः धारण करते हैं, या जिसको देना है देते थे या स्वयं धारण करते हैं। और फिर ये सावन आएगा तो उपाक्रम यह होगा श्रावणी का। उसी समय पर श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन 15 अगस्त को मनाया जाएगा। और यजुर्वेद, थर्ववेद को लोग, जो लोग मानते हैं, जानते हैं, उसके अनुसार जो लोग अपना जीवनचर्या बनाते हैं, उन लोगों के लिए विशेष उपाक्रम। और एक और सुजोग जुड़ रहा है इन साल, 15 अगस्त को श्रावणी पर्व और रक्षाबंधन का त्योहार और भारतीय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त भी उसी दिन पड़ रहा है, इसलिए इसका और विशेष महत्व है, विशेष संयोग है। और इस अवसर पर पूर्णिमा को स्नान ध्यान कर करके, आचार्य को बुला करके और भगवान सत्यनारायण का कथा श्रवण करें, जनेऊ का पूजन करके रख लें घर में, तो इससे पूरा साल आनंदमय बीतेगा। जय श्रीमन्।